दोस्तों नमस्कार, सब लोग परेशान हैं। ग्वालियर जो टिकट है सेकेंड T20 में जो खेला जाना है ग्वालियर में, भारत और बांग्लादेश के बीच 6 अक्टूबर 2024 को, सब लोग परेशान है। उसके लिए स्टूडेंट टिकट जो आया था वो खत्म हो गया है। अब लोग पूछ रहे हैं स्टूडेंट टिकट कैसे बुक करें। दोस्तों देखिए, कैसे बुक करना है टिकट मैं पूरा प्रोसेस वीडियो बता दे रहा हूं। काफी लोग वीडियो को मिस कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। जिनको जानकारी उनको तो ठीक है, काफी ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं होती है, फिर वो वीडियो को स्किप करके देखते हैं और कुछ भी चीज समझ नहीं पाते हैं। बाद में जो चीज बताया है उसको कमेंट कर देते हैं। कुछ लोग आधी वीडियो देख के सिर्फ कमेंट करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं वीडियो कमेंट करते हैं। ठीक है, पहले वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं, वीडियो लंबी होती है, 9 मिनट 10 मिनट 8 मिनट की होती है। कारण क्या है 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट वीडियो बनाने का, तो दोस्तों समझना चाहिए आपको क्यों बनी वीडियो 10 मिनट 12 मिनट तक की, 8 मिनट की क्यों बनी है। कुछ तो जानकारी होगी वीडियो के अंदर, लेकिन नहीं। आप देखते हो अक्सर मैं वीडियो का रिप्लाई, कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पाता, क्योंकि काफी कमेंट होते हैं। आई इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे इसके साथ टेलीग्राम भी है। ठीक है, वहां भी लोगों को बताना पड़ता है, व्हाट्सएप चैनल भी, वहां भी अपडेट देनी पड़ती है। लोग जुड़ते भी नहीं है, हर कोई व्हाट्सएप चैनल भी चलाता है, वहां भी नहीं कोई जुड़ता है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं लोग, सर्च किए आ गए और कमेंट कर दिए। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, टिकट आपको पक्का मिल जाएगा। मैं पूरा सिस्टम से आपको बता दे रहा हूं, टर्म एंड कंडीशन भी क्या होगा बता दूंगा। जो अंत तक देखेंगे तो आपके 6-7 हजार रुपए का नुकसान से बच भी जाएगा, तो पक्का आपका लॉस होगा। क्योंकि स्टेडियम आप जाएंगे अपने तरीके से, जो रूल और रेगुलेशन तो पता नहीं होगा, आप अपने तरीके से जाएंगे, फिर वहां तरफ फड़ाएंगे कुछ चीजें इधर उधर फेंकेंगे। क्योंकि मैच देखने आया है भाई, तो मैच तो देख के जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, वो तो हर कोई हर किसी को पता होता है, मैच देखने जा रहा हूं भाई देख के जाऊंगा। कि कोई दूर से आता है, कोई पास का है, तुम्हारी दौड़ के गया अपना रख के चला आया, कोई बाइक से तो वो भी रख के आ जाएगा, मालूम होगा वहां तो टर्म एंड कंडीशन। लेकिन जो दूर से गया उसका क्या होगा, वो तो फंस गया, उसको तो अपना सामान लॉस करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए, अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, और डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां मैं सभी अपडेट देता रहता हूँ, जो भी आती है क्रिकेट जो भी आती है, टिकट के बारे में जो भी जानकारी आती है मैं अपडेट करता हूँ वहां पे। तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और इस वीडियो को सब्सक्राइब रखेंगे, जो भी छोटी सी बड़ी जानकारी है मैं अपडेट करते रहूंगा। देखिए, जो सिस्टम बताऊंगा टिकट बुक करने का वही यूज कीजिएगा। काफी लोग अलग अलग अपने तरह से पूछने लगते हैं, अब मैं अलग से कहां से बताऊंगा। सिस्टम बुक करने का एक ही होता है टिकट का, जिस साइट पे आएगा वहीं से सिर्फ बुक होगा, ये नहीं कि यहां से भी होगा वहां से भी होगा। पेमेंट आप अपने मन से कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करते हैं, करके आपको दिखाते हैं, टिकट भी लाइव दिखाते हैं आपको, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। अब करना क्या है, पेटीएम इंसाइडर को ओपन करना है। अगर आपके पास पेटीएम इंसाइडर ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग पेटीएम इंसाइडर। ठीक है, मैं ऐप आपको दिखा दे रहा हूं, मेरे पास होगा कहीं, कहां से कौन सा ऐप है मैं दिखा दे रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे भी। पेटीएम इंसाइडर जिनके पास नहीं है, सब लोग देखिए, ये वाला ऐप है, ये वाला, सब लोग इसको इंस्टॉल कर लिए, अपनी आईडी क्रिएट कर लीजिए। इसके अलावा कहीं और से नहीं होगा, पेटीएम ऐप से भी हो सकता है, होता है वहां से भी। ठीक है, लेकिन फिलहाल इनका पेटीएम इंसाइडर पे ही आया है, पेटीएम से भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे सर्च कीजिएगा ये वाला IDFC, जो सर्च बार था उसी में सर्च करना। ठीक है, ये सर्च बार है ऊपर, अब देखिए दो दिया हुआ है यहां पे, देख रहे हैं आप, इसका पेटीएम पे नहीं शो कर रहा, सिर्फ यहां पे देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं अपना टेस्ट कहीं से दिया हुआ है। यहाँ पे पेटीएम इंसाइडर सब लोग कर लीजिएगा अपना, जो लोग पेटीएम किए हैं इंस्टॉल, वो लोग जो उस आईडी से पेटीएम को बनाए उसी आईडी से पेटीएम इंसाइडर बना लेंगे अपना। अब यहां देखिए, ये वाला टिकट जो है स्टूडेंट टिकट है, दिखा दे रहा हूं मैं आपको, ये खत्म हो चुका है, ये खत्म है, नहीं मिलेगा आपको। अब करना क्या, देखिए पेटीएम, ये वाला फर्स्ट वाला, इंडिया से बांग्लादेश टिकट, अभी बुकिंग लाइव नहीं है, मैं करके दिखा दे रहा हूं कैसे होगा। लेकिन बुक कब आएगा, यहां पे देखिए एक टाइमिंग है, अबाउट जनरल टिकट सेल, आप भी आके ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूं प्रूफ के तौर पे, मत बोलिएगा आप कहां से दिखा रहे हैं। 10 AM 20 अक्टूबर 2024 को लाइव होगा, सुबह 10 बजे 20 अक्टूबर 2024 को, आप देख सकते हैं। देखिए बता दू मैं आपको, 20 अक्टूबर लिखा है लेकिन ये 20 सितंबर रहेगा, क्योंकि आज 19 सितंबर है, ये यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है उधर से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 20 अक्टूबर लिखा है, 20 सितंबर, क्योंकि 6 अक्टूबर तो मैच ही है,
अब 20 अक्टूबर कैसे लाइव होगा, ये मिस्टेक है उनकी, ठीक है, थोड़ा सा कोई किया होगा अपना। देखिए 6 अक्टूबर को मैच है, आप देख सकते हैं, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया यार, 6 अक्टूबर को मैच है, 20 अक्टूबर कैसे दे दिया। ठीक, तो ये 20 सितंबर रहेगा, ठीक है, आज 19 सितंबर को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 20 सितंबर को मिलेगा आपका टिकट, 10 AM सुबह से मिलना चालू हो जाएगा। बता दो काफी ज्यादा वहां जो की भीड़ होने वाली है, 30,000 कैपेसिटी है, 29,700 कुछ कैपेसिटी है, 15-20% टिकट जो कोटा में चले जाएंगे, 80% टिकट बिकेगा ऑनलाइन, ऑनलाइन ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें जो लोग 10 बजे तक एंट्री कर जाएंगे उनको टिकट मिल जाएगा। मैं कहूंगा 10:01-10:02 पे आप एंट्री कर लीजिएगा बुकिंग करने के लिए फटाफट, तो फिर मिलेगा नहीं, 11-12 बजे बाद जो लोग वीडियो देखेंगे मुश्किल है उसको टिकट मिल जाए, फिर भी ट्राई कीजिएगा सब लोग यार, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 4 टिकट एक बंदा बुक कर सकते, देख सकते हैं आप, 3 साल से ऊपर जो बच्चे होंगे उनका टिकट लगेगा, याद दिया, 3 साल से ऊपर के बच्चे होंगे टिकट लगेगा, एक बंदा 4 टिकट बुक कर सकता है, कोई भी एक पर्सन। ये टिकट प्राइस दिया हुआ देख सकते हैं, ईस्ट गैलरी का 1115, वेस्ट गैलरी का 1115, नॉर्थ गैलरी का 1549। ये चलिए मैं वीडियो लंबी नहीं करूंगा, आप लोग पढ़िएगा इसको लाके अपना खुद, ठीक है, मैं बुक कर दिखा दूं। IDFC सर्च करना है, कल जो है कि ऐसे बन के IDFC सर्च करेंगे, जैसे ये टेस्ट मैच का रहा है जो आज से शुरू हुआ है टिकट, इस तरह आएगा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा आप, फिर इस तरह बायनो का ऑप्शन रहेगा या टिकट प्राइस, देखिए चेक कर लीजिए, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, ठीक है ना, बायनो। पेटीएम पर भी आप ट्राई करेंगे तो आगे मिल जाएगा, पेटीएम से IDFC सर्च करके कीजिएगा, या 10,000 टिकट जो भी टिकट, देखिए क्या जब टिकट बुक कर रहे हैं जो बचा रहेगा वही मिलेगा आपको, ये मत कहेगा कि यार सस्ता ना गया कहां पे, मुझे क्यों नहीं मिला, जो बचा रहेगा वही मिलेगा, जब खत्म हो जाएगा सोल्ड आउट लीजिएगा, जब सोल्ड आउट लीजिएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। 10,000 रुपए जो भी बचा रहेगा उस पर क्लिक कीजिएगा, जहां भी जाएगा टिकट आपका इस तरह से बन जाएगा कुछ, या एड टू कार्ड की जितना भी टिकट लेना होगा एड टू कार्ड फिर कीजिएगा, फिर यहां से आपका पेमेंट वेमेंट करने के लिए पूछेगा, मैं लॉग इन नहीं है वाला, पेमेंट करने के लिए जो भी चीजें पूछेगा अपने आप पेमेंट कीजिएगा और टिकट बुक कीजिएगा। देखिए आप पेमेंट जो है आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी भी UPI से कर सकते हैं, ठीक है ना, पेमेंट टिकट बुक कर लीजिएगा, मेल और मैसेज चला जाएगा आपको, मेल पे कंफर्मेशन जाएगा टिकट आपका बुक हो चुका है मेल पे, और जो है कि इसके बारे में आपको मेल पे भी जाएगा कंफर्मेशन। और एक चीज बता दो कि जब टिकट बुक कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेल और मैसेज आते रहेंगे, कैसे आना है, कैसे आना है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, सब कुछ आएगा आपको, टिकट कहां से कलेक्ट करना है, होम डिलीवरी होगा कि नहीं होगा, अगर होम डिलीवरी के लिए डिटेल्स मांगता है आपका फिल कर दीजिएगा, इसी के बाद मांगेगा, होम डिलीवरी नहीं था इसका इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं था होम डिलीवरी का, ठीक है। इस चीज मैंने बता दिया आपको, टर्म एंड कंडीशन क्या होता है, देखिए इस स्टेडियम में कुछ भी लेना अलाउड नहीं होता है, कुछ भी नहीं अलाउड होता है, पैसे में नोट और मोबाइल स्क्रीन पर अलाउड होते हैं, कुछ नहीं, इससे पर्स आपके पास कागज है उसमें ATM कार्ड पैन कार्ड ऐसे कुछ है, आधार कार्ड तो ले जा सकते हैं, साथ में बैग नहीं होना चाहिए, चार्जर नहीं होना चाहिए, लीड नहीं होना चाहिए, पावर बैंक नहीं होना चाहिए, ये सब एयरफोन लीड जो भी होता है कुछ नहीं होना, कोई भी टेक्निकल सामान नहीं होना चाहिए आपके पास, क्योंकि हर कोई जाता है सोचता है पावर बैंक ले लूँ या लीड ले लूँ हीरो बन के जाऊँ, सब अलाउड नहीं होता दोस्तों, बैग कुछ भी नहीं, आपका घर है वहाँ पे वो रख जाइए, होटल लिए हैं या कोई दोस्त के आ रखे हैं वहां सब कुछ रख के जाइएगा, कुछ भी लेके मत जाइएगा, तो पक्का आपकी एंट्री नहीं होगी, इधर उधर फेंकना पड़ेगा आपको, यही मैं बताता कि आपका नुकसान हो जाएगा। तो फिर अगर मैच देखने जाएंगे तो सब चीज फेंक देंगे आप, या चलो पहले मैच देखो जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक। अब मैंने बुकिंग के लिए आपको प्रोसेस बता दिया, एक गाइडेंस वीडियो थी मैंने, तो मैंने पहले बता दिया आपको, कल सुबह 10 बजे चालू हो जाएगा 20 तारीख को, तो टिकट बुक कीजिए, मैच का एंजॉय कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग।